के लिए रवाना हो गए हैं सीएम अशोक गहलोत। तो बड़ी खबर इस समय की बड़ी जानकारी के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। जयपुर से हिंडोली के लिए रवाना हुए हैं सीएम अशोक गहलोत। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां सीएम अशोक गहलोत हिंडोली के लिए रवाना हुए। और साथ ही आपको बता दें यहां हिंडोली में कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे, कई विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया जाएगा उनके द्वारा। तो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम अशोक गहलोत। हालांकि अब जो है हिंडोली के लिए रवाना हो गए हैं सीएम अशोक गहलोत। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर दिनेश डांगी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं। दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो है सीएम अशोक गहलोत हिंडोली के लिए रवाना हो गए हैं, वहीं तमाम कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे, क्या कुछ अहम जानकारी है आपसे जानना चाहेंगे? जी देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज एक दिन के हिंडोली दौरे पर रहेंगे और जयपुर के स्टेट हैंगर से थोड़ी देर पहले रवाना हुए और वहां पर हिंडोली विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। करीब 1500 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे और उसके बाद एक पब्लिक मीटिंग में सीएम अशोक गहलोत अपना संबोधन रखेंगे, जिसमें अच्छी खासी भीड़ जुटने की उम्मीद है। पिछले 15 दिन से वहां के विधायक और खेल मंत्री अशोक चांदना सीएम अशोक गहलोत के दौरे की तैयारियों में जुटे हुए थे। काफी लोगों में वहाँ उत्साह और जोश यहाँ पर देखा जा रहा है और करीब 1:45 बजे सीएम अशोक गहलोत कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएंगे, जहां पर स्थानीय नेता खेल मंत्री अशोक चांदना के नेतृत्व में उनका जोरदार स्वागत करेंगे और उसके बाद विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे और फिर आखिर में जनसभा होगी और जनसभा के समापन के बाद सीएम अशोक गहलोत जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। ये एक दिवसीय कार्यक्रम उनका रखा गया है। जी दिनेश, जिस तरीके से खबरें ये भी सामने आ रही है कि आज कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे सीएम अशोक गहलोत, वहीं विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया जाएगा उनके द्वारा, साथ ही साथ दोपहर 2 बजे जयपुर के लिए रवाना भी हो जाएगी, इसको लेकर के क्या अपडेट है आपके पास? जैसे ही कार्यक्रम समाप्त होगा तो दोपहर 1 बजे के आसपास उसके यानी करीब 2 बजे के आसपास वापस उनका जयपुर रवानगी का कार्यक्रम है। तो वहीं दिनेश, अगर कार्यक्रम के व्यवस्था की बात की जाए, अगर उनके स्वागत की बात की जाए, तो क्या कुछ वहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं? जी देखिए, पिछले 15 दिन से वहां के विधायक और खेल मंत्री अशोक चांदना इस दौरे की तैयारियों में जुटे हुए थे। गांव-गांव जाकर उन्होंने लोगों को न्योता दिया था और ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है, तो वजूद है और क्षेत्र में लोकप्रिय है, तो अच्छी खासी भीड़ वहां पर जुटने की यहां पर उम्मीद है और बेहद जोश और उत्साह लोगों के बीच में सीएम अशोक गहलोत के दौरे को देखकर देखा जा रहा है। जी दिनेश, क्या इस दौरान ये जो दौरा है हिंडोली के लिए रवाना हुए हैं और हिंडोली में जो दौरा है काफी ज्यादा अहम ये दौरा माना जा रहा है उनका, तो इस दौरान क्या कोई बड़ी सौगात भी दे सकते हैं सीएम अशोक गहलोत? जी देखिए, कई विकास कार्य हैं जिसमें बताया जा रहा है पेयजल से जुड़े प्रोजेक्ट है, इसके अलावा अन्य जो जी, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश आपका।